सतपुड़ा की गोद में स्थित पचमढ़ी एक अनूठा हिल स्टेशन है। यहाँ देवों के देव महादेव गुफा में विराजे हैं। कैलाश के बाद महादेव का दूसरा घर कहीं जाने वाली पचमढ़ी में एक नहीं कई बड़ी गुफाएं हैं। कुछ गुफाओं में न केवल शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुए बल्कि उनका अभिषेक वर्ष भर प्रकृति स्वयं करती है। आज हम पचमढ़ी की नागद्वार यात्रा पर निकले हैं। नागद्वार मंदिर के लिए मुख्य रूप से दो रास्ते हैं। एक तो 15 किलोमीटर का पैदल मार्ग है और साथ ही दूसरा मार्ग जिप्सी मार्ग कहलाता है, काजरी मार्ग के नाम से ये मार्ग जाना जाता है। देख लीजिए हमारा वाहन तैयार है। ये वाहन हमें काजरी ग्राम और नागद्वार मंदिर तक लेके जाएगा। ये रास्ता आप देखिए, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ ये रास्ता है। आगे चलकर देखना होगा कि किस तरीके का कठिन रास्ता हमें मिलता है। पचमढ़ी में भोलेनाथ के अनेक मंदिर हैं, जिनमें से चौरागढ़ मंदिर, महादेव मंदिर और नागद्वार मंदिर सबसे अहम माने जाते हैं। मान्यता है कि इन पहाड़ियों से जो भी श्रद्धालु जाता है उनका कालसर्प दोष दूर हो जाता है। मुख्य गुफा में शिवलिंग पर काजल लगाने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं। श्रद्धालु अपनी कई पीढ़ियों से इस नाग देवता के मंदिर में दर्शन करने के लिए हर साल आते हैं। नाग द्वारी तक पहुँचने के लिए श्रद्धालु सुबह से यात्रा शुरू करते हैं और शाम तक गुफा पहुँच जाते हैं। नागद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाराष्ट्र से मंडल आते हैं। मंडल का आसानी से मतलब समझा दूं कि जैसे अमरनाथ में यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह टेंट लगाए जाते हैं, खाने की व्यवस्था होती है, पेयजल की व्यवस्था होती है। आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह यहां पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था है। महाराष्ट्र से यहाँ पर कई सारे मंडल पचमढ़ी आते हैं और जंगल के इस जटिल रास्ते को पार करते हुए इस तरीके का टेंट लगाया जाता है। कहाँ से आते हैं आप लोग? नागपुर। कितनी मेहनत लगती है यहाँ श्रद्धालुओं की सेवा देने के लिए? बहुत मेहनत लगती है। मैं 3 दिन से आया हूँ। 3 दिन से आए हुए हैं? हाँ। तो लगभग आप जैसे 1 से 10 अगस्त तक का ये मेला है, तो आप लोग कब जाएंगे? मेले के बाद जाना होगा वापस? 12 तारीख को जाएंगे। और कितने श्रद्धालुओं का भोजन यहाँ पर डे बनता है? पर डे हमारे 10 से 12 हजार लोग, 10 से 12 हजार लोगों का बन जाता है। भिन्न भिन्न मंडल यहाँ पर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के मंडल पचमढ़ी आते हैं। अमरनाथ की तर्ज पर, जैसा मैं आपको बता दूं, मिनी अमरनाथ यात्रा नागद्वार यात्रा को कहा जाता है। भक्त नागद्वार यात्रा को अमरनाथ यात्रा से भी जोड़कर देखते हैं। इस यात्रा में रोमांच और कठिन रास्तों के कारण ये अमरनाथ जैसी यात्रा महसूस होती है। यहाँ के सबसे बड़े पहाड़ और गुफा का अद्भुत दृश्य देखकर लगता है जैसे हम अमरनाथ यात्रा ही कर रहे हों। साल में एक बार खुलने वाला ये मंदिर श्रावण महीने में खुलता है। नाग पंचमी के बाद ये बंद हो जाता है। यहाँ 11 दिनों में देश भर से 10 लाख से अधिक लोग पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सकरी खाई में, खूह में, गुफा में इस मंदिर का निर्माण प्राकृतिक तौर पे हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कालसर्प दोष और निसंतान दोष, ऐसा मानना है कि ये दोनों इस मंदिर की हाजिरी लगाने से दूर होता है। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए ग्रामीण अंचलों से, शहरों से लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस मंदिर का दर्शन करते हैं। INS 24/7 के लिए पचमढ़ी से सादिक अली की रिपोर्ट।